नजर डालेंगे आलमी मंजरनामे पर। तुर्की ने अफगानिस्तान के ज़रई शोबे में इस्तेहकाम लाने के लिए काबुल को 20,000 पौधे फराहम कर दिए। तुर्क हुकाम के मुताबिक सेब और नाशपाती समेत मुतअद्दिद इकसाम के फूलों के पौधे शामिल हैं। पौधों को मैदान वर्दिक पक्तिया पंजशेर लोगर समेत मुख्तलिफ सूबों में लगाया जाएगा। इससे कबल तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान में पोस्त की काश्त पर पाबंदी आयद करते हुए किसानों को मुतबादिल पौधे और बीज फराहम करने का ऐलान किया था। बरतानिया में डोवोर बंदरगाह पर रश के बायस ट्रकों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं। फ्री सर्विस कम होने से बंदरगाह पर मुसाफरों का रश है, जिसके बायस ट्रक सर्विस भी शदीद मुतासिर है। ट्रक ड्राइवर्स को क्लियरेंस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लंदन से मुंसलिक बंदरगाह की शहरा पर ट्रकों की मीलों लंबी कतारें लगी हुई हैं। वाजिर है कि डोवोर बंदरगाह बरतानिया में सप्लाई का बड़ा जरिया है। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात आतुर का शिकार हो गए। तेहरान ने वाशिंगटन को जिम्मेदार करार दे दिया। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि ईरान ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगा। वाशिंगटन को मुतालबात मानने होंगे। जो बाइडन इंतजामिया का रवैया गैर संजीदा है, इसे फैसले करना होंगे कि ट्रंप के नक्शे कदम पर चलना है या थोड़ा बहुत जिम्मेदार हुकूमत होने का सबूत देना है।